मुमरा कौसा के बाईपास पर नंदूचाल के स्थानीय लोग एक महिला के आतंक से है परेशान। मैं अफ्राहिम मीर, आज का महानगर में आपका स्वागत है। थाने जिले के मुमरा कौसा में स्थित बाईपास रोड से सटी हुई नंदूचाल नाम का एक क्षेत्र है, जो चार मीनार शादी हॉल से लगकर ये पूरा क्षेत्र स्थित है। तो इस प्रकार से इस क्षेत्र के लोग यहाँ की स्थानीय एक महिला जिसका नाम दिलनशी है, जो इस परिसर के कई लोगों के साथ अपने परिवार सहित आतंक करती है, दबंगी करती है, मारपीट करती है। परिसर के स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस में कई शिकायतें इस महिला के विरुद्ध में दर्ज की गई है, परंतु पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस महिला और इसके परिवार के आतंक के कारण इस क्षेत्र के लोगों, विशेष तौर पे महिलाओं द्वारा अपनी आवाज पुलिस प्रशासन तक पहुंचाने के लिए इन लोगों ने पत्रकारों का सहारा लिया। पत्रकारों को विनंती करके अपने यहाँ आकर इनकी आवाज प्रशासन तक पहुँचाने का प्रयास किया। जब पत्रकारों की टीम उस क्षेत्र में पहुंची तो वहाँ दिलनशी नाम की महिला से आतंक का शिकार हुई कई महिलाएं उपस्थित हो गई, जिनसे हमारे सहयोगी ने बात की। क्या बताया नंदूचाल की इन महिलाओं ने हमारे सहयोगी को, देखिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फातिमा शेख है। क्या क्या शिकायत है आपकी? मेरी शिकायत सिर्फ यही थी कि दिलनशी यहाँ पर बकरी मत बांध, तेरा पेशाब हमारे घर में आता, तू भी नमाज पढ़ती, हम लोग भी नमाज पढ़, बस यही बात पे मेरी बेटी को उसने बाल पकड़ी, बस। और कोई शिकायत नहीं है, मेरे सिर्फ भी उसकी बकरी की शिकायत है बस। और आने जाने वाले बच्चों को कोसती कासती रहती है वो, कोई भी बच्चा गया या उसके दरवाजे में पानी गिरा या कुछ हुआ तो छोटे छोटे मासूम बच्चों को कोसना चालू कर देती है बस। अच्छा। यही बात है बस। आपके साथ मारपीट की उसने? मेरी बेटी के साथ मारपीट करी है उसने, और उसके बेटे ने मुझे कल मेरी बेटी को छुड़ाने, ये है आपकी बेटी? हाँ, ये मेरी बेटी है। मैं छुड़ाने गई, उसके बड़े बेटे ने मेरे को जोर से धक्का मार दिया। कब हुई ये मारपीट आपकी बेटी? शाम में 7:30 बजे हुई। हाँ, कल 7:30 बजे। इसके अलावा और कुछ लोगों से की है? हाँ, ये इससे भी की है, ये इनसे की। इसकी बेटी को मैंने ही छुड़ाई, कोई नहीं था। अच्छा। इसकी बेटी को मैंने ही छुड़ाई हूँ कल। ये बता रहे थे कि ये जो माजी खड़े, इनसे भी कुछ मारपीट की उसने? ये माजी बोलने गई क्यों ऐसा मारने का, उसकी माँ ने, उसकी माँ आने के बाद होएगा फैसला, तो उसको भी बुड्ढी को मारी है। पूजा के मामले? हाँ, पूजा के मामले में, और रिश्तेदार है पूजा के। अच्छा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैं चाय देने जा रही थी मेरे अब्बा को, वहाँ से आई मेरी अम्मी ने उसको बोलो चाय के बारे में कि ये बकरी का पेशाब आता है, हम लोग नमाज पढ़ते तो एकदम तन 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 करके आई, और उसको प्यार से बोलने गए हम लोग, प्यार से बोलने गई तो वो एकदम आंख पे आई मारने के लिए। अगर कोई भी अपने बचाव में जाएगा तो वो हाथ पैर चलाएगा, ये देखिए सर, ये मी मेरा हाथ है और मेरे पूरे बाल पूरे उसने, ये पूरा हाथ है, ये देखो ये हाथ है और मेरे पूरे बाल उसने पूरे ये करके रख दी। हाँ, और पूरा मेरी गर्दन भी सूज चुकी है। तो नाम है आप? मेरा नाम आमिना शेख। आमिना, आपने शिकायत की पुलिस में? हाँ, मैंने कल शिकायत करी मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। नहीं, हमको एक लेटर दिया गया, हमको 10 बजे बुलाए थे, हम 10 बजे नहीं पहुँचे क्योंकि मुझे बीपी की शिकायत है। मुझे इसी चौल की पूजा नाम की एक लड़की हमारे साथ में है, पूजा के साथ में भी कुछ 3 दिन पहले दिलनशी और उसके लोगों ने, उसके घर के लोगों ने मारपीट की, ऐसी शिकायत है। पूजा, क्या मामला हुआ था, कब ये मारपीट तुम्हारे साथ हुई, क्यों हुई, क्या बताओगे? मैं दुकान जा रही थी, वो बोलती है मेरे को देख के हंसी और मेरे को डायरेक्ट मारने लग गई। हाँ, मेरे को बाल पकड़ के सब नाखून लगा इसका। अच्छा, तो पड़ोस के लोग आए बीच बचाव करने, छुड़ाया लोगों ने? छुड़ाया तो अभी वो छोड़ रही नहीं थी। अच्छा। और बोलती है मेरे को देख के हंसी करके मार रही थी डायरेक्ट। अच्छा। हाँ, आप पूजा की मम्मी? हाँ, मैं पूजा की मम्मी हूँ। अच्छा, क्या क्या झगड़ा हुआ था ये पूजा का? मेरे को तो काम पे फोन आया कि मम्मी मेरे को बहुत मार रही है, मैं दूर थी, लेकिन अभी मेरे को 1 घंटा लगता था आने में वहाँ से, तो मैंने वो लोग को फोन किया कि मेरी लड़की का क्या गलती है, तुम लोग ने तीनों मिल के मारा है उसको। कौन थे तीन? दिलसी उसकी लड़की आयशा और दिलसी उसकी छोटी वाली का नाम नहीं मालूम, तीनों था। तो मैंने शाम में आई तो मैंने उसकी लड़की उधर आई थी मेरा घर पे, तो मैंने बोली तेरी मम्मी को बुला जा, किस लिए मारी मेरी लड़की को, किस लिए हाथ उठाई उसने, तो ऐसा बोली मैंने, तो बोलती है मेरी मम्मी नहीं आएगी, तू आना उधर। तो मेरे को गुस्सा आया, मैं लड़की को 2 चमाट मारी उधर ही घर के सामने, मेरी लड़की पूरा एकदम से ये हो गई थी, मेरा जान जला, मैं 2 झांबट मारी। तो उसने आके मम्मी को बोली है, तो उसने बाहर खड़ी रह के बंजारी लोग मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, बंजारी लोग ऐसा है वैसा है करके उसने गाली गलौज चालू किया उसने। तो भी मैंने क्या किया, दोनों लड़की को हॉस्पिटल लेके गई दवाखाना, तो मेरे को रास्ते में पकड़ी उसने, फिर बाल्टी गिल्टी से चालू किया मारना, मेरे को मारना चालू किया, तो वो कुछ आगे से बोल रही नहीं, मारना चालू किया, तो मैंने गया कंप्लेंट करने,
कैसा मेरी लड़की को मैं घर में न थे चिटवा दबा के उसने मारी, तो पुलिस लोग ने बोला कल आओ, सुबह में आओ, शाम में आओ, ऐसा ही घुमा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है उसके कार्रवाई। ये माजी खड़े, इनके साथ में भी कुछ हुआ? हाँ, ये मेरी फूफी है, उसने छोड़ा रही थी लड़की को, मार रही थी तो उसने छोड़ा रही थी, तो उसको भी बुड्ढी को भाग भाग के आया वो लोग ने दरवाजे तक मारने के लिए। हाँ, बोलती है तेरी लड़की अभी गांव दे ही में रहने दे, तेरी लड़की को देख लड़का लोग लगाऊंगी, ऐसा कराऊंगी, ऐसा दमपट्टी दे रही है मेरे को। अच्छा, क्या आप पूजा को बचा रही? क्या बात तो नहीं, झगड़ा छोड़ा रहे थे? हाँ, झगड़ा छोड़ा रहे थे बेटा। अच्छा, क्या हुआ? तेरे को क्या काम है, तू कौन है मेरे को इधर से आको मार को गई? कौन हो? हाँ, उसका लड़की, उसका मम्मी। हाँ, ना वो आज आदमी कर को वो बुड्ढी को कहीं को मारने को आ रही घर से चले कर को ऑफिस गई हो बेटा, देख जरा। हाँ, क्या करूँ, मेरे क्या गलती है, भाई का बेटिया है ना। आप लोग कह रहे हैं उसकी दहशत है, उसका आतंक है, आप लोग जो है मारपीट में जो है पुलिस में जाके शिकायत कर रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है कार्रवाई नहीं कर रही है, तो पुलिस ने कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसी क्या पुलिस से अपील करेंगे आप, क्या बोलोगे? हमको यही चाहते हैं कि हमको तकलीफ मत दे, हमारे कोई इशू नहीं है उसके बीच में, बस वो बकरी की तकलीफ है हमारे को, आए दिन हमारे बच्चों को गाली गलौज करती, ताने देती, गाली देती, नंगी नंगी गाली देती, और बोलेंगे तो अल्लाह का खौफ इसका, और साफ इनकार से झूठ बोल देती। हमको खाली बकरी हमारे दरवाजे में मस्त रख, बस हमको इतनी है, बस इससे ज्यादा हमको कोई तकलीफ नहीं है, बस गाली गलौज नहीं मांगता। और तुम्हारी यानी पुलिस ने क्या कार्रवाई करनी चाहिए वो बोलिए। तो हम लोग को पुलिस को यही कार्रवाई करना चाहिए कि बाबा इसको समझा दो, ये लड़े नहीं, बस हम लोग को ये लड़ाई नहीं मांगता, हम लोग को बस उसके ऊपर इंसाफ चाहिए, हमको बस इंसाफ चाहिए, हमको सबकी तरफ से पुलिस से क्या अपील करेंगे, क्या निवेदन करेंगे? हाँ, तो वही बोल रहा है की क्योंकि देखो किसी को जाएगा किसी को बतुआ देगा, पुराण सुनो ना, देखो वो पुराण वीरान की भी लाती है ना मम्मी, बराबर है क्या नहीं? देखो हमारा भी भगवान है, हमारा भगवान नहीं है, हम भी सुनते हैं, तुम्हारा भगवान का तुम सुनो, हमारा भगवान का हम सुनते, तुम्हारा हिसाब से चलो, बस वही कह रहे हैं बस। क्यों पुलिस से क्या कार्रवाई की अपील है तुम्हारी? हाँ, तो कम्प्लेंट किया तो फिर भी कम्प्लेंट अभी तक पुलिस ने आया, कितना दिन हुआ? तीन दिन होगा कम्प्लेंट किया हुआ, अभी तक पुलिस का कार्रवाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक्शन ही नहीं है, क्यों? ये थी मुमरा कौसा के बाईपास से सटी हुई नंदूचाल क्षेत्र में एक महिला द्वारा आतंक करने पर जानकारी। ऐसी ही विचित्र खबरों के लिए देखते रहिए आज का महानगर। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए।